करीब 23,000 लोग हर साल केवल यूरोपीय संघ में ही सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। हालांकि हर दुर्घटना के कारण का पता लगाना हमेशा संभव नहीं होता। ये मिसाल देखिए, कितने सवालों के जवाब नहीं मिले। कार से ड्राइवर का नियंत्रण कैसे छूट गया? पैदल चलने वाले को किस ओर से ठोकर लगी? इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे मसलों के रहस्य कैसे खुलें जिनमें फॉरेंसिक विशेषज्ञों के सवालों का जवाब देने के लिए पीड़ित जिंदा ही ना बचा हो? कई सदियों से इंसान इसके लिए सर्जरी वाले औजारों की मदद लेता आया है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फोरेंसिक पैथोलॉजी के प्रोफेसर मिशाएल थाली के नेतृत्व वाली टीम कुछ बिल्कुल नया कर रही है। वो वर्चुअल ऑटोप्सी के अगुआ हैं। मकसद है पहले से भी तेज ऑटोप्सी कर पता लगाना कि आखिर कोई व्यक्ति किस चीज से और कैसे मरा। आजकल फॉरेंसिक विशेषज्ञों को पुलिस को बताना होता है कि एक एक्सीडेंट में पीड़ित को किस ओर से ठोकर लगी। इसका सटीक और तेज जवाब जानने के लिए एक नई तकनीक जांचकर्ताओं की मदद कर सकती है, वर्टो स्कैन। मिलीमीटर के स्तर पर नाप कर ये स्कैनर दिखा देता है कि लाश पर बाहर से कितनी चोटें लगी हैं। शरीर पर सामने और फिर पीछे की सभी चोटों को ये फोटो के रूप में दिखाता है। कुछ सेकंडों में स्कैनर एक्सीडेंट पीड़ित का एक वर्चुअल ट्विन बना देता है। लेकिन वर्चुअल ऑटोप्सी केवल तेजी के लिए ही नहीं की जाती। चूंकि इसमें सब कुछ डिजिटल होता है, इसलिए जांचकर्ता सालों बाद भी इससे जुड़े सबूतों को देख सकते हैं। ये बात कंप्यूटर टोमोग्राफ से मिली तस्वीरों के लिए भी सच है। एक्सरे की मदद से शरीर को कई हजार बार स्कैन किया जाता है और कुछ ही सेकंडों में मरने वाले के शरीर के भीतर की भी एक डिजिटल इमेज तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पता कैसे चलता है कि पैदल यात्री को किस ओर से टक्कर लगी? ये हड्डी यहाँ बीच से टूटी है और यहाँ काफी बड़ा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ कुछ तो है। हम खोपड़ी को देख सकते हैं। अगर बाईं तरफ कुछ था तो खोपड़ी के बाईं तरफ कुछ दिखने की उम्मीद है। ये रहा, बाईं तरफ चोट का असर दिख रहा है। इससे पक्के तौर पर पता चल जाता है कि सिर पर बाईं ओर फ्रैक्चर हुआ। पुलिस के सवालों का जवाब कुछ मिनटों में ही मिल गया, जबकि आम ऑटोप्सी में कम से कम 2 घंटे लगे होते। ये तो साफ है कि बाईं ओर चोट लगी, खोपड़ी से लेकर पैरों तक यही साइड चोटिल है, बहुत बड़ा फ्रैक्चर है। मरने का कारण भी ये फ्रैक्चर ही है। खोपड़ी की हड्डी टूटी, फिर सिर से खून बह गया, यही हुआ। पैदल यात्री की मौत का रहस्य तो खुल गया, लेकिन ड्राइवर का क्या? इस एक्सीडेंट में उसकी मौत कैसे हुई? ऐसे कई मामलों की तरह ये युवा भी दुर्घटना से पहले पार्टी कर रहा था, रात भर और सुबह होने तक। तो क्या कार में बैठते समय वो नशे में धुत था? वर्चुअल ऑटोप्सी टीम इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। ड्राइवर की लाश से बड़ी मुश्किल से टिश्यू का सैंपल हासिल किया गया है ताकि उसका अल्कोहल एनालिसिस हो सके। इसका जल्दी से जल्दी पता लगाने में मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी काम आती है। इससे दिमाग में अल्कोहल के असर का भी पता लगाया जा सकता है। एमआरआई मशीन चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों की मदद से अपना काम करती है। हमारे शरीर के हाइड्रोजन परमाणुओं का न्यूक्लियस चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग उन अंगों और मांसपेशियों के लिए खासी असरदार होती है जिनमें भरपूर पानी होता है। इस जांच में उसी पानी के हाइड्रोजन परमाणुओं से निकलने वाले सिग्नलों का विश्लेषण किया जाता है। अगर हाइड्रोजन पानी के अलावा किसी और अणु में दिखता है, मिसाल के तौर पर इथेनॉल यानी शराब में, तो उससे निकलने वाले सिग्नलों की तीव्रता अलग होती है। इस तरह एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी से शरीर में अल्कोहल का पता चल जाता है और बिना किसी टिश्यू सैंपल के भी फोरेंसिक एक्सपर्ट मृत व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद अल्कोहल का पता लगा सकते हैं। पहला अनुमान होता खून में करीब 3% अल्कोहल। लेकिन इस युवा के मामले में ये टेस्ट नेगेटिव आया। कारण? वो शराब नहीं पीता था और पार्टी में भी उसने पानी ही पिया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उससे कार का नियंत्रण छूट गया? इससे मिलते जुलते एक मामले में
ज्यूरिख के रिसर्चर सुरागों की तलाश में डिजिटल सर्च कर रहे हैं। यहाँ पोस्टमार्टम एंजियोग्राफी हो रही है। इसका मकसद खून की नलियों में किसी तरह की चोट को उभार कर साफ साफ दिखाना है। कार से नियंत्रण छूटने का ये कारण भी हो सकता है, शायद उसे दिल में कहीं चोट लगी हो। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो वो टोमोग्राफी स्कैन में दिखना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों को दिल में ऐसा कुछ नहीं मिला। क्या वर्चुअल ऑटोप्सी अब भी एक्सीडेंट के बारे में कुछ बता पाएगी? अब हमें दिल की मुख्य धमनी को देखना होगा कि वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। ये सोच बिल्कुल सही दिशा में गई। तस्वीरों से एक छोटी लेकिन बेहद अहम चोट का पता चला। यहाँ खून बहा था, हृदय के ठीक ऊपर से शुरू होकर यहाँ एओर्टा में लगी चोट, यहाँ खून बहा। गाड़ी चलाते समय हृदय के इस हिस्से से खून बहना शुरू हुआ था, जिसके कारण उनकी मौत हुई, यही पता चल रहा है। एओर्टा में दरार। फोरेंसिक डॉक्टर को ऐसी ही दरार युवा ड्राइवर में भी दिखी थी। यही उस जानलेवा दुर्घटना का कारण बना। शरीर के आंतरिक अंगों में अचानक खून भर जाने से ये मौत हुई। मौत के ऐसे कई जटिल रहस्यों को अब नई तकनीक पहले से कहीं जल्दी सुलझा पा रही है।